ये जैसे कि ये रफादैन के ताल्लुक से था कि ये कोई लोग बोलते हैं कि ये नहीं भी किए तो मतलब चलता है, और ये छोड़ दे या मंसूख हो चुका है, इस तरीके से सवाल उठता है कि कभी बोलते कोई मंसूख हो किया है, या फिर बोलते कि हमारे नहीं भी किए तो कोई हर्ज नहीं चलता है, क्यों है, और बहुत बात सारे बात है मस्जिद में ये प्रॉब्लम होता है, आप जी। जानते हैं, इसके बारे में बता दीजिए, क्या आपके वक्त देखिए पर साबित है? ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें इसमें दो तीन अहम बातें आप पॉइंट वाइज समझें। पहली बात तो ये कि नमाज के अंदर रफुल यदैन ये वाजिब नहीं है, मतलब ये कि अगर किसी ने नहीं किया तो उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि ये सुन्नत है, मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। अगर किसी ने नहीं किया तो उसकी नमाज हो जाएगी, ये एक बात। दूसरी बात, अगर किसी ने नहीं किया, कोई नहीं कर रहा है, तो जरूरी है कि इस बात को माने कि मैंने सुन्नत को छोड़ा है। अगर वो जी इसका इनकार कर रहा है, तो सुन्नत का इनकार करने वाला साबित होने के बाद अगर उसके नजदीक ये चीज साबित हो गई, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि उन अहादीस को साबित ही ना माने वो, या वो जी जाहिल हो, तो उसका मसला अलग है। लेकिन अगर कोई सुन्नत को साबित जानता है, उसके बाद उसका इनकार करके छोड़ रहा है, तो ये चीज जी कुफ्र तक पहुंच सकती है। बाकी सुन्नत में आपको इख्तियार है, आपने नहीं किया तो आप पर गुनाह नहीं है, आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन उसका इनकार नहीं होना चाहिए। अगर कोई बिल्कुल बिल्कुल जानबूझ करके भी सुन्नत चीज को नमाज में छोड़ दे रहा है, तो उसकी नमाज हो जाएगी। फकत उसको ये मानना जरूरी है कि ये सुन्नत है जो मैंने छोड़ी है, और सुन्नत का जो अजर है उससे वो महरूम होगा, बाकी उसकी नमाज हो जाएगी। अगर उस सुन्नत का वो इनकार कर रहा है, तो ये इनकार करने से वो काफिर भी हो सकता है। बाकी छोड़ना, ये छोड़ने से उसकी नमाज पर असर नहीं पड़ेगा, उसकी नमाज हो जाएगी। आपने एक चीज और जिक्र किया जी अपने सवाल के अंदर कि बाज लोग कहते हैं ये मंसूख है। भाई मंसूख ये एक दावा है, इसके लिए दलील चाहिए। आखिर में कौन सी दलील है आपके पास कि ये मंसूख है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज साबित है, और मंसूख होना इसका साबित नहीं है। और कोई भी ऐसी रिवायत बताएं जिसमें ये आया हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफूल यदैन नहीं करते थे। इस तरह की जो भी रिवायतें हैं वो ज़ईफ़ रिवायतें हैं, और सही रिवायत यही है अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा वगैरह की रिवायत, कि ये साबित है। हमारे यहाँ बहुत सारे अहनाफ, चूंकि उनका फकही मजहब है कि रफुल यदैन नहीं करना है नमाज में, उनके इमाम साहब जी का कौल है, इसलिए अब इमाम साहब के कौल की हिफाजत करने के लिए कभी हदीस को मंसूख कहेंगे, कभी हदीस को ज़ईफ़ करेंगे, कभी उसकी कोई तावील करेंगे। अरे मेरे भाई, दीन की हिफाजत कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की हिफाजत कीजिए। हमें इस बात का हुक्म नहीं दिया गया है कि किसी आलिम से अगर फतवा में गलती हुई तो हम उसको जस्टिफाई करें। तमाम इंसानों से गलती हो सकती है, नबी के अलावा इस उम्मत में कोई भी मासूम नहीं है। तो अपने जी इमाम के कौल को जस्टिफाई करने के लिए हदीस के साथ इस तरह ज्यादती करना कि मनमानी किसी हदीस को मंसूख कह देना, इस तरह से कोई भी आदमी आएगा किसी भी हदीस को मंसूख कह देगा। तो जो जी मुहद्दिसीन के उसूल हैं, उन उसूलों की बुनियाद पर किसी हदीस को मंसूख कहा जाएगा, मनमानी नहीं। जी जजाकल्लाह खैर।